नमस्कार बाइजूज एग्जाम प्रैप आई एस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग चौथे एपिसोड में बात करेंगे प्रमुख चर्चित स्थल की जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रमुख स्थलों से लिया गया है और यह आपके आगामी संघ लोक आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है तो दोस्तों यह जो चर्चित स्थल है दो मई से लेकर के आठ मई दो के बीच जो चर्चा में रहे हैं उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लोग अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें तो आइए पहले स्थल की ओर चलते हैं जो कि इसमें दिया गया है जूट उत्पादक राज्य यानी यह या भारत के संदर्भ में पूछ रहा है तो यह चर्चा में था क्योंकि खबरों में आया हुआ है तो संदर्भ यही कि जूट उद्योग के मुद्दे तो यह जो मिलों को बंद किया जा रहा है तो अब इन मिलों के बंद होने से क्या होगा लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो इन्हीं उद्योग पर आश्रित थे उन परिवारों का क्या होगा तो ये सब समस्याएं आ रही हैं तो यह जो मुद्दे हैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि जो मिल है और किसान है उनके बीच अत्यधिक दूरी और बिचौलिया यह सब एक प्रमुख कारण है और सबसे बड़ी चीज़ है कि खरीदार लोग इकट्ठा डंपिंग कर दे रहे हैं तो ये सब समस्याएं हैं तो ये तो रही खबर अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यह जूट कहाँ पाया जाता है और इसके लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए तो दोस्तों याद रखिएगा कि जूट के लिए पच्चीस से पैंतीस डिग्री सेल्सियस तापमान और डेढ़ सौ से लेकर के ढाई सौ सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है इसीलिए यह निचला डेल्टाई क्षेत्र में यह पाया जाता है और यह जलोढ़ मृदा में पाया जाता है जिसे कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त उन्नीस को तो दोस्तों उन्नीस में जब भारत का विभाजन भी हुआ तो जो भारत का विभाजन हुआ तो जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तो जूट का बहुत सारा क्षेत्र चला गया तो इस तरह से देखा जाए तो भारत को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हालांकि वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है लेकिन उसे बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है और ढेर सारी समस्याएं हैं जैसे चक्रवात की वजह से भी इसके उत्पादन में समस्या आ रही है तो कहने का यही मतलब है कि यह बांग्लादेश चीन चीन भी तीसरे स्थान पर है तो अगर टॉप थ्री कंट्रीज की बात की जाए तो भारत चीन बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश चीन तो इस तरह से यह जो आंकड़े हैं बदलते रहते हैं तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी जूट का भारत ही है तो इस तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश से इसको चीन से काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है तो यह भारत में कहाँ कहाँ पाया जाएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल में यानी कुल जो जूट का उत्पादन होता है उसमें से 50 प्रतिशत यानी आधा अकेले पश्चिम बंगाल से ही होता है और निन्यानवे प्रतिशत अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल बिहार और असम राज्यों में होता है और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश उड़ीसा में भी यह पाया जाता है तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न यही है कि भारत में जूट का एक प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है तो यहाँ पर नहीं क्या होगा पश्चिम बंगाल होगा बिहार होगा अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं होगा असम भी होगा तो अतः उत्तर क्या हो गया सी हो गया तो इससे संबंधित मानचित्र में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल बिहार असम मेघालय यहां पर नागालैंड भी दिखा रहा है उड़ीसा भी है और यहां देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी यह जूट पाया जाता है तो इसे ध्यान रखेंगे मानचित्र के आधार पर अब बढ़ते हैं दूसरे प्रमुख स्थल की ओर यह अंतर्राष्ट्रीय स्थल है दोस्तों यह आप लोगों को पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन संकट चल ही रहा है रूस यूक्रेन पर आक्रमण किया और यह युद्ध अभी भी यह खींच रहा है तो ऐसे में यहाँ पर एक ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र है तो दोस्तों यह ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र के बारे में कहा जाता है यह पूर्व में सोवियत संघ का भाग था लेकिन जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ यानी उन्नीस सौ में नब्बे से बानवे के बीच में यानी मालदोवा मोलडोवा सुना होगा देश जिसकी राजधानी चीसिना है तो मोलडोवा जब अलग हो रहा था तो साथ में यह ट्रांसनिस्ट्रिया भी अलग हो गया तो हालांकि मोलडोवा बहुत प्रयास किया इस ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र को अपने अंतर्गत लाने के लिए और दोस्तों बहुत सारे देश को यही पता है कि यह ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र मोलडोवा का क्षेत्र है तो मोलडोवा को अभी आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस हमारे ऊपर भी अटैक कर ले क्योंकि रूस काफी दिनों से मालडोवा के क्षेत्र पर भी रूस की नजर है तो मालडोवा क्षेत्र से अगर वो अटैक करता है और साथ में ओडेसा वह कवर कर देता है तो यूक्रेन पूरा लैंड लॉक्ड हो जाएगा यानी उस क्षेत्र में वह लैंड लॉक्ड हो जाएगा यानी भू आबद्ध हो जाएगा और यही रूस चाहता है तो यह डर मालडोवा को सता रहा है कि कहीं इस ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र से यहां पर मानचित्र में देखेंगे ये देख रहे हैं ना तो यह ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र से या मालडोवा में अटैक करेगा और ओडेसा इसको कवर कर देगा तो यह जो है कह सकते हैं सामरिक दृष्टिकोण से यह ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दोस्तों यहां पर यहां की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य कह सकते हैं स्रोत कह सकते हैं तो रूस यहां पर सब्सिडी और मुफ्त गैस देता है यानी प्राकृतिक ईंधन देता है जिसकी वजह से यहां की अर्थव्यवस्था चलती है और यहां के सत्तानवे फीसदी लोगों ने जनमत मतलब वोट मताधिकार का प्रयोग किया था वह रूस के साथ रहना चाहते हैं तो दोस्तों यही कारण है कि जो ट्रांसनेस्टिया क्षेत्र है यहां में ट्रांसनेस्टिया और रूस यानी कह सकते हैं कि तिहरी नागरिकता यानी तीन देशों की नागरिकता पाई जाती है यहाँ के देशों की यानी जैसे रूस के साथ साथ ट्रांसनेस्ट्रिया और मोलडोवा की नागरिकता इन लोगों को हासिल है तो यह भी कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और मोलडोआ पर इसीलिए मालडोवा को क्यों भय है क्योंकि नाटो इसकी सहायता के लिए नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि मोलडोवा नाटो का सदस्य नहीं है इसलिए अगर रूस जो है इस पर अटैक करता है तो मॉलडोवा पर भी कह सकते हैं कि मालोवा की सहायता के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा तो इसीलिए यह क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है तो इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण जो है यह भी अंतरराष्ट्रीय स्थल है नॉर्डिक देश दोस्तों यहां पर स्कैंडिनेविया सुना होगा यहाँ की जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनको लैप्स कहा जाता है तो यह सब आर्कटिक क्षेत्र के समीप स्थित देश हैं यानी उत्तरी सागर और कह सकते हैं कि यह जो है बाल्टिक सागर के बीच स्थित देश हैं उन्हें हम नार्डिक देश कहा जाता है तो यह भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन तो दोस्तों इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ डेनमार्क में हुआ तो डेनमार्क की राजधानी क्या है कोपेन है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में वहां की यात्रा पर गए और दोस्तों यह जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है यह सेकेंड दूसरा शिखर सम्मेलन है इससे पहले दो में यहां पर किया गया था तो नॉर्डिक देशों के साथ अगर बात किया जाए तो अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो इन देशों के साथ शिखर सम्मेलन कर रहा है तो

तो यहां यही आपको बताना है तो पहला कथन देखिए डेनमार्क एक नार्डिक देश है लेकिन स्कैंडिनेवियन देश नहीं है दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत भी आता है फिर दूसरा है नार्डिक क्षेत्र उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो नार्डिक देश में पांच देश आते हैं वह कौन कौन से डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड नॉर्वे आइसलैंड और फेरोज द्वीप जो कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है तो यहां पर यही देख सकते हैं तो तो यह दूसरा कथन तो सत्य है है तीसरा डेनमार्क सभी नार्डिक देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है तो कैसे साझा करेगा अगर आप मैप देखे होंगे अगर आप मानचित्र देखे होंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तुरंत आप दे देंगे क्योंकि डेनमार्क अगर देखा जाए तो बाल्टिक सागर एक तरफ है एक तरफ उत्तरी सागर है और बीच में यह कह सकते हैं सागरों से यह घिरा हुआ क्षेत्र है तो यह स्थलों सारे कह सकते हैं भू सीमा साझा नहीं करता है तो यहां पर तीसरा भी कथन गलत हो गया तो अब क्या हो गया केवल दो सही होगा तो उत्तर क्या है बी है तो आइए इससे संबंधित मानचित्र की ओर चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह दिया गया है डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे और फिनलैंड और यह आइसलैंड है तो ये सारे देश क्या है नार्डिक देश के अंतर्गत आते हैं मैंने क्या कहा ये पांच देश इसके साथ साथ फेरोज आइलैंड तो यह फेरोज आइलैंड वो भी क्या है डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और इसमें देखेंगे तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो यह देख सकते हैं स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क तो यह डेनमार्क देख रहे हैं सबसे सीमा नहीं बना रहा है भूमि सीमा तो यह कथन वहाँ पर गलत हो गया यह नॉर्थ सी है और यह बाल्टिक सी है इसी के बीच ही ये सारे देश हैं कि नहीं तो यह भी ध्यान रखिएगा फिर यहीं पर मानचित्र में देखिए बाल्टिक देश भी हो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री होते हैं उसी तरह से बाल्टिक कंट्री में इस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया आता है इसे भी ध्यान रखेंगे तो यह सब मानचित्र में इन्हें ज़रूर देखें साथ में एटलस जरूर रखें यदि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर यह भी नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत ही आता है तो दिया गया है कि भारत और आर्कटिक यानी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आर्कटिक में जो अनुसंधान केंद्र है उससे संबंधित भी चर्चा की गई वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में भी बात की गई तो यहां पर इसे संबंधित प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं तो प्रश्न यही है कि भारत की आर्कटिक अनुसंधान सुविधाएं यानी उसको क्या कहते हैं हिमाद्री और इंडिया आर्क स्थित है यानी कहां स्थित है ग्रीनलैंड में स्वाल में फेरो द्वीप में या न्यू साइबेरियन द्वीप समूह में तो दोस्तों यहां पर उत्तर होगा स्वाल द्वीप में तो आइए इसको थोड़ा मानचित्र में देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्कटिक रिसर्च तो 1920 से ही देखा जाए तो यह सवाल बार टीटी इन पेरिस में यह संधि पर हस्ताक्षर हुआ था फिर 2007 हजार आठ और चौदह तथा दो हजार सोलह में, में तो यह कह सकते हैं कि यह सवालबार्ड क्षेत्र कहां है तो यह आप देख सकते हैं नॉर्वे है तो नॉर्वे का उत्तरी क्षेत्र और यही वाला यह नॉर्वे का भाग भी है तो यह सवालबार्ड क्षेत्र है अब देखिए यहां पर सिर्फ सवालबार्ड को मैपिंग नहीं करना है अन्य चीजों को भी आपको देखना है कि और कौन कौन से क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत विश्व का ग्यारहवां ऐसा देश है जिसका अगर हम ग्लोब में बात करें जैसे यह विश्वत रेखा है ऊपर यह आर्कटिक, अंटार्कटिक तो आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पे उसके रिसर्च सेंटर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री तो ऊपर जो वर्क में है भारतीय है तो दोस्तों दो में सबसे जो अंतिम जो रिसर्च स्टेशन है वह लार्समन की पहाड़ी में भारती को स्टार्ट किया गया था तो यह ध्यान रखेंगे भारती और ऊपर क्या है हिमाद्री दक्षिण गंगोत्री मैत्री तो ये इतने स्टेशन हैं तो यह भी मानचित्र में जरूर देखेंगे अब पढ़ते हैं दोस्तों यह भी अंतरराष्ट्रीय चर्चित स्थल यानी इटली की बात की जा रही है बहुत ही खूबसूरत देश है यूरोपियन देश है भूमध्य सागर में स्थित देश है कह सकते हैं यानी एक तरफ भूमध्य सागर है एड्रियाटिक सागर आयोनियन सागर इसको मानचित्र में जरूर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक नदी बहती है पो नदी जिसे इटली की गंगा कहा जाता है दोस्तों जैसे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसी तरह से इटली के उत्तरी भाग में आल्प्स माउंटेन है एपिनाइन पर्वत है इटली की राजधानी रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा है दोस्तों वह एक कस्पिट डेल्टा बनाती है यह भी ध्यान रखेंगे तो यहां पर बात की जा रही है जो खबर थी कि हाल ही में इटली के वित्त मंत्री का भारत आगमन हुआ तो इटली का वित्त मंत्री पहली बार भारत में आगमन हुआ है तो इस तरह से इटली के वित्त मंत्री और भारत के मंत्री के बीच विभिन्न क्षेत्रों में वार्ता हुई इवन इटली के जो वित्त मंत्री हैं वह भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में भी गए और वहां के मुख्यमंत्री से भी मिले तो आईटी सेक्टर में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोजन के क्षेत्र में इन सभी क्षेत्रों में वार्ता हुई तो इस तरह से 2024 का जो कार्य योजना है उसको और आगे बढ़ाने की बातचीत की गई तो दोस्तों इटली के भौगोलिक अगर विशेषताओं के आधार पर आइए प्रश्न को देखते हैं तो यहां पर दिया गया है कि इटली में पाई जा सकती है भौगोलिक विशेषताएं तो यहां पर देखिए आल्प्स माउंटेन दिया है एपेनाइन पर्वत दिया है माउंट एटना दिया है और पो नदी दिया है तो दोस्तों यह चारों बातें अगर बात की जाए तो इटली में पाई जाती है तो इटली कुछ ऐसा ही दिखता है अगर ऊपर बात करें तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस को टच करता है और दोस्तों यहां पर अगर ऊपर देखें तो आल्प्स माउंटेन है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एपी पर्वत है तो ये दोनों कथन सही है फिर माउंट एटना अगर बात करें तो यहाँ पर लिपारी द्वीप है तो उसी के पास ही माउंट एटना है इधर देखेंगे तो कोर्सिका और सार्डिनिया द्वीप है तो एक द्वीप इस पर तो फ्रांस का है मानचित्र में आइए देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पो नदी भी बहती है माउंट एटना भी है तो ये चारों कथन सही होगा अतः उत्तर क्या हो गया डी हो गया तो अब इसको मानचित में अगर हम देखते हैं तो इसको देखिए एकदम धीरे धीरे मानचित में देखिएगा इधर देखिए एड्रियाटिक सागर है है ना फिर देखिए इधर टायरेनियन सी है फिर देखिए इसके उत्तर पूर्व में लिंगूरियन सी है ियन सागर जो है और एक तरह से एड्रियाटिक सागर के मध्य स्थित है और यह पूरा अगर हम बात करें तो यह भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है दोस्तों यहां पर रक्त वर्षा होती है ब्लड रेन होती है और दोस्तों यहां पर आल्स माउंटेन देख रहे हैं इसके उत्तर पश्चिम में है और इधर एपे पर्वत श्रृंखला है और यह इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा है और पो नदी देख रहे हैं ये मिलान शहर है ना इटली का इसे इटली का मंचेस्टर कहा जाता है

सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह सिसली द्वीप भी है और यह कोर्सिका है यह सर्डिनिया है इसके बीच भी एक जल संधि है उसका नाम है बेनी जल संधि तो इस तरह से इनको जो है मानचित्रण आप लोग करते रहिए और दूसरे मानचित्र में और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह स्टेट ऑफ सिसली दिया गया है तो यह इसको अलग कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं माल्टा है माल्टा की राजधानी बेलेटा है ये भी ध्यान रखेंगे और यह देश है कौन कौन से देश इसको स्पष्ट कर रहे हैं तो यहां पर अगर हम बात करें तो इटली के अंतर्गत सैन मैरिनो देश है और यहीं पर देखेंगे तो विटिकन भी यहीं पर स्वतंत्र देश पाए जाते हैं इटली के अंदर ही तो यह भी ध्यान रखेंगे तो मानचित्रण इसी तरह से करेंगे तो आसान हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आशा करता हूं कि आज का अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें साथ में कमेंट जरूर करें って。